सियाराम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। पहला घोप करती हूँ, सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। ब्लॉक स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से, और 6 बजे तो चलो अभी जी, धूप निकलने वाली है उधर से। यहाँ पे तो अभी पहुंची नहीं है धूप, और काफी यहाँ ठंडा मौसम बना हुआ है क्योंकि बारिश हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो मौसम ठीक था। इतना ठंडा हो रहा है ना, जैसे दिल्ली में नवंबर दिसंबर में पानी इतना ठंडा कड़क रहता है ना, वैसे ही आजकल यहाँ पे है। यानी कि गीजर ऑन करके तब हाथ मुंह धो रहे हैं पानी गर्म करके, नहीं तो ठंडे पानी से सुबह के टाइम पे हाथ मुंह बुलिया बिल्कुल बहुत ठंडा हो रहा है। सक्षम भी कह रहा है बहुत ठंडा हो रहा आओ है, और इसने देखो सक्षम इधर आओ, हमने आओ तो स्वेटर वेयर किए, देखो स्वेटर पहनिए, ठंडा हो रहा है। आओ। आधे रास्ते हम स्वेटर पहन के जाएंगे जहां तक ठंडा हो रहा है, और जहाँ पे गर्मी होनी शुरू हो जाएगी निचले इलाकों में, वहां से हम स्वेटर खोल देंगे। जैसे सक्षम ने भी दो दो, एक हाफ जैकेट पहना है, एक स्वेटर पहना है। अभी देखो बाहर का मौसम बिल्कुल, आसमान क्लियर है, अभी धूप आने में टाइम है, धूप नहीं आई है। और ये सक्षम मैंने रेडी कर दिया है। सक्षम के पापा अभी रेडी नहीं हुए हैं, ड्राइवर से बातें बातें कर रहे हैं कहाँ तक आएंगे कैसे आएंगे करके। तो अब हम भी रेडी होते हैं। रेडी तो मैं तो हो ही गई हूँ, सक्षम को मैंने रेडी कर ही दिया है, सामान मैंने कल ही पैक कर लिया था। तो अब चलने की हम तैयारी कर रहे हैं, हमें जाना भी है सक्षम की दादी को, क्योंकि वहाँ पे अकेले छोड़ा है। सक्षम का भी स्कूल है, शादी भी हमने अच्छे से इंजॉय कर ली है, शादी भी अच्छे से निपट गई है, अच्छा रहा सब कुछ। और ब्लॉग नहीं बना पाए, इम्पॉसिबल था ब्लॉग बनाना, तो चलो कोई बात नहीं, जितना बनाए उतने में इंजॉय करो आप लोग। और मौसम देखो अभी इतना शांत माहौल सिर्फ हमें अपने उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है। देखो सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें आ रही हैं, अदरवाइज कोई आवाजें नहीं है। इतनी शांति, इतना शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही हम लोगों को नसीब होता है। बाकी तो ये सुकून सब कुछ छिन जाता है जैसे ही हम शहरों की ओर जाते हैं। तो अब क्या ही करना है, कुछ चीज़ें यहाँ हैं तो वहाँ नहीं है, कुछ चीज़ें वहाँ हैं तो यहाँ नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होता है, क्या करना है ना। तो ये रही हमारी मकान गांव वाली, देखो मेरे पीछे ये हमारी मकान है। तो अब हम हो चुके हैं रेडी, अब चलते हैं। तो दीदी ने यहाँ पे मर्ची की बिनी डाली हुई है, मर्ची का बीज बोया हुआ था छोटे छोटे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो दीदी यहाँ जहाँ लहसुन लगाया है इनमें रोपेगी, इनमें लगाएगी, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मिर्ची के पौधे देखो। और आजकल इनको बचाना बड़ा टफ काम है, क्योंकि यहाँ पे ओले वगैरह गिरते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं पौधे, इन पे ओलों का विष लग जाता है तो ये काम के नहीं होते हैं, तो इनको ढका के भी रखना पड़ता है। जैसे कि परसों ओले गिरे थे, हमने ये काली पन्नी से उड़ाए थे, और पन्नी भी यहीं पे रखी है। ये है हमारा माल्टे का पेड़, वो रहा हल्वानी गांव सामने, दिख रहा है आपको, ये देखो। कहाँ है कुत्ता? सक्षम को गुस्सा आ गया, कह रहा है आपने डॉगी की वीडियो नहीं बनाई है। चलो डॉगी को दिखा देते हैं, चलो कहाँ है आपका डॉगी, चलो दिखाओ डॉगी को, चलो 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 चलो। और जेठ जी लोग भी यहाँ पे सिलेंडर जो बचा हुआ था उसको लेके आ रहे हैं, और सक्षम भी हो चुका है रेडी। डॉगी 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 इसके लिए ऐसी रोटी दे रखी, देखना यहाँ नहीं, ये बड़े कुत्ते को दी होगी, ये तो अभी छोटा सा है, इसके लिए तो भिगा के देते हैं। आ जा, हाथ दे, आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, चेलू चेलू हम जाले, चेलू आए हम जाले, हम जाले भाई, इसको ठंडा लग रहा है, ले हम जा घूम उड़ो ने, चल। यहाँ पे दीदी ने देखो भैंस के लिए हरा घास किया हुआ है, जब दूध निकालने जाती है तो ये घास देती है, ये देखो। और अभी जाएंगे दूध निकालने के लिए, ये सारी कंडियां रखी है, इसमें हम घास पत्ते वगैरह लाते हैं, गोबर वगैरह डालते हैं, यहाँ पे इन्हीं का स्टॉक करके रखा हुआ है दीदी। ये हमारी पठाल वाली
गोट है, यहाँ हमारा किचन था, इसे गोट कहते हैं पहाड़ी भाषा में। यहाँ पे वैसे अक्सर गाय भैंसों के लिए ये पठाल वाली मकान बनाए जाते हैं यहाँ पे हमारे पहाड़ों में। वैसे तो रहने के लिए अक्सर पहले ज़माने में बनाए जाते थे, अब तो हम सीमेंटेड घर ही बनाते हैं। जैसे कि ये देख लो हमारा सीमेंटेड घर, बट ये पठाल वाला है ये। सर्दी के टाइम पे गर्म रहते हैं पहाड़ों में, गर्म घर रहते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं, ऊपर से इनमें पठाल डाले जाते हैं, जैसे कि हमने भी डाले हैं। ऐसे घर हमारे पहाड़ों में अक्सर देखने को मिलते हैं अभी भी। तो देखो और यहाँ देखो हमारे प्याज के पौधे, ये मैंने पूरी नीला गुड़ाई की थी परसों, देखना। वहां पे तीनों जीठ हैं आपस में बातें कर रहे हैं। अब आया सक्षम का डब्बू, देखना, देखो सारे लोग बातें कर रहे हैं, देखना। उसको दे दो अपना बच्चा, वो उसको लेके भाग जाएगा। तो दोस्तों इसी का नाम है चासड़ी, हमारे स्थानीय भाषा में इसे चासड़ी कहते हैं, और इसी में शादी का भात बनता है पूरे गांव वालों के लिए, पूरे रिश्तेदारों के लिए। और सुनील की शादी का भात भी इसी में बना था, और ये हमारी खुद की चासड़ी है पर्सनल, तो इसे नीचे रखी कि हम पठाल वाले घर में, क्योंकि ये यही रहेगा, वही स्पेस है इसके लिए, वही रखेंगे इसे, क्योंकि ये कार्यों में ही निकलता है, बाकी ऐसे तो इसे निकाल नहीं सकते हैं, बहुत भारी होता है। देखो दो लोग लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे सुनील भी आ चुका है उठ के, और हम लोगों की भी तैयारी हो चुकी है जाने की। ये प्रदीप भी आ गया है, सारे लोग उठ चुके हैं, यहाँ पे दीदी भी आ गई है, हम लोग भी रेडी हो गए हैं। फाइनली हम घर से काफी नीचे आ चुके हैं, और सक्षम जा रहा है अपने पापा के साथ, और अरु एक बैग अरु लेके जा रहा है, एक मेरे पास है, एक सक्षम के पापा के पास है। और यहाँ पे धूप भी आ चुकी है हमारे गांव में, लोग खेतों में भी आ चुके हैं काम करने के लिए, और खेतों में आजकल धान की छोटी छोटी पौधे हो रखे हैं, धान जम गई है, धान कल परसों बोया था, तो उसमें माई डालना कहते हैं हमारे यहाँ, तो माई डाल रहे हैं, यानी कि पाटोल निकाल रहे हैं, उसकी गुड़ाई कर रहे हैं, जब वो छोटा रहता है एक बार उसकी गुड़ाई कर देते हैं यहाँ पे। तो वही लोग खेतों में काम कर रहे हैं, और धूप भी आ चुकी है अच्छी वाली। और ये देखो सीढ़ीदार खेत, देखो इन्हीं में धान बोया है, देखो। और सक्षम तो चली गया पापा के साथ, मैं काफ़ी पीछे पीछे छूट गई हूँ, क्योंकि चला भी नहीं जा रहा है, आराम आराम से चल रही हूँ। अभी तक सक्षम को लेके जा रही थी कंधे में, तो थोड़ा थक भी चुकी हूँ, वो चल नहीं रहा है आज, पता नहीं क्यों, वैसे तो खूब चलता है लेकिन आज ही नहीं चल रहा है, तो वो चले गया है आगे। अब मैं भी फटाफट चल रही हूँ, मैं धान के खेत बताती हूँ आप लोगों को। ये तनु गएगा कहा जाने तो होबे की, अच्छा तो ये देखो ये रहे हमारे गांव के सीढ़ी नुमा खेत, और ये रहा हमारा रास्ता, इसी रास्ते से होके हमें सड़क तक जाना है। हम सड़क मार्ग से बहुत ऊपर रहते हैं, तो हमें पैदल बहुत चलना होता है, तो गाड़ी के लिए तो यहाँ से हमें पहले यहाँ से आरू छोड़ रहा है नंदा नगर तक, वहाँ से हमें गाड़ी पकड़नी है दिल्ली के लिए। गाड़ी वाले से तो बात हो रखी है, 8 बजे तक के लिए बोल रहा है, अभी 7:30 होने जा रहे हैं, तो देखो आधे घंटे में हम पहुँच पाते हैं कि नहीं, वैसे तो पहुँच ही जाएंगे। और हमारा घर यहाँ से वहाँ है, ऊपर देख रहे हो आप, जहाँ तक नज़र पहुँच रही है आपके उन पेड़ों के बीच में हमारा घर है ऊपर, वहाँ से होके हम आए हैं नीचे। और हमारा जो गांव है वो यहाँ है, हम गांव से देखो कितने ऊपर रहते हैं, गांव हमारा ये है यहाँ देखो, और सड़क मार्ग से देखो इतनी दूरी पे हम लोग रहते हैं। और देखो अभी तो धूप निकल चुकी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ज़्यादा गर्मी तो अभी है नहीं, बट हल्की स्वेटर पहनने लायक का है अभी, सुबह तक तो बहुत ठंडा होता है सुबह से, हम यहाँ पे दिन में धूप निकल जाती है तो इतना ठंड महसूस नहीं होता है। ये देखो सक्षम और सक्षम के पापा चल रहे हैं, जय हो माँ भगवती। ये हमारे गांव में भगवती माता का मंदिर है, भगवती का मंदिर है,
और देख रहे हो और ये प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव का ही, जिसका छत छत दिख रहा है और यहाँ पे कितना बड़ा सा पेड़ भी है देखो, यहाँ से लेके नीचे तक देखो। और हम गांव में एंटर हो चुके हैं, यहाँ पे से गांव शुरू हो चुका है देखो। ओ माँ, पाँव भी दर्द करने लग गए चल चल के। इनके भी बगीचे में प्याज वगैरह है देखो, देख रहे हो देखो। सड़क में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे है ससुर जी लोगों का मकान, तो मैंने कहा ससुर जी से भी मिलके जाते हैं, हर बारी जाती हूँ तो अच्छा लगता है उनसे मिलके भी, और वैसे भी बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेना तो अच्छी बात होती है, लेना भी चाहिए। और मैं तो हमेशा ही मिलके जाती हूँ ससुर जी से, तो आज तो क्यों ही मिस करूँगी, आज भी मिलके जा रही हूँ। तो ससुर जी शायद मुझे लगता है नीचे है, मैंने यहाँ देख लिया यहाँ कोई भी नहीं है, लगता है वो नीचे ही नाश्ता बना रहे हैं, नीचे ही हैं। तो चलती हूँ अब, नीचे मिलती हूँ ससुर जी को ज़रा। तो सीढ़ियाँ बूटियाँ बनाती हैं बहू रानी। तो यहाँ पे हमारी जो नई नवेली दुल्हन है, यानी कि हमारी बहू रानी है, जिनकी कल परसों शादी हुई थी, हम तो आ नहीं पाए थे, आने की कोशिश करी थी लेकिन आ नहीं पाए थे। चलो कोई बात नहीं, वो आज रोटियाँ बना रही हैं, ये देखो बहू की रोटी गोल गोल। हो रेखा मंजी दी करो मात नहीं मात नीचे मैं माथे पे तो होने था अभी के भी ऐसा से मत बदलो जी मत बदलो। अच्छा और इंदू मां का था चाची भी है। अच्छा ये तो वो नाश्ता बनूनी सर्विस माथे ये हमारे चाचा ससुर जी जी, ये देखो शादी में आ नहीं पाए थे क्योंकि इनकी ज़्यादा तबीयत मतलब ठीक नहीं रहती है, उस वजह से ऊपर तो नहीं आ पाए थे क्योंकि दूर शादी है सड़क मार्ग से, तो आ नहीं पाए थे। तो हम यहीं से मिलके जा रहे हैं ससुर जी से, आने के दिन मिले थे और जाने के दिन ही मिल पा रहे हैं। तो ये हैं ससुर जी, ये हैं सक्षम, सक्षम भी दादाजी का आशीर्वाद लेके जा रहा है और हाथ में भी पैसे पकड़े हुए थे। चलो प्रणाम कीजिए दादा इनके यार। अच्छा तो यहाँ पे दीदी है हमें मिलने आई थी, ये हमारी बड़ी वाली दीदी है, रुड़की वाली दीदी, जिनके परसों बेटे की शादी हुई थी, तो इन सबसे मिलके जा रहे हैं। यहाँ पे आशा भी आजकल ससुराल आई थी, तो ये भी माइक नहीं माइक आई थी, ससुराल जा रही है देखो। बाय आशा, तब ठीक रे, मैसेज मुसेज करते रही ठीक बाय। और यहाँ पे हमारे जेठ जी भी काफी मतलब एजेड हो चुके हैं, अब बड़े हैं हमसे काफी, तो सबसे हमने विदा ले ली है, अब जा रहे हैं और अभी चलाएगा गाड़ी जो कि आ रहा है गाड़ी के अंदर। और सक्षम का बाई हो रहा है ताई के लिए, यहाँ देखो ताई यहाँ से देख रही है। फोन करी बल दूध कैसा दूध पता नहीं यार मुके दे हूं दूध नहीं लॉलीपॉप है ये वहां ये देने दे चलो छोड़ो ना ना पता दादा नहीं देखा वो ये दूध है ये लॉलीपॉप है। अच्छा तो हम निकल पड़े हैं अपने सफर की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुड़की, और जैसे जैसे हम शहरों की ओर बढ़ रहे हैं पहाड़ों को छोड़ करके, वैसे वैसे गर्मी का स्तर बढ़ते जा रहा है। अब हमने स्वेटर भी, खैर स्वेटर तो मैंने श्रीनगर में ही उतार दी थी, जितने निचली इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं गर्मी का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो हमारी पहाड़ों से काफ़ी अलग प्रकार की खेती है, गन्ने की खेती यहाँ पर दिखाई दे रही है और मैदानी इलाका है। हमारे पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत थे, सीढ़ी रुमा खेत जो कि वीडियो के माध्यम से आपने भी देखा होगा, और यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में ऐसे नहीं है, पूरे
प्लॉटिंग प्लॉटिंग वाले खेत है, प्लॉटिंग हो रखी है पूरे में, और यहाँ पे पेड़ पौधे तो है ही लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जैसे कि पहाड़ों में होता है। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हम अपने सुहाने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, काफ़ी चीज़ें हम छोड़ के भी आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो दोस्तों हम अपने सफर में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सक्सम गाने भी सुना रहा है और उसकी हालत भी ऐसे हो रखी, देखो धूल मिट्टी से पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ है। और मेरी तो क्या ही बोलूँ, मुझे तो नींद आ रही थी क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी तो बस आंखें ही बंद हो रही थी, बार बार मैं तो सोई जा रही थी। और मुझे इस बार उल्टियाँ नहीं हुई आते हुए जाते हुए, बस में तो काफ़ी उल्टियाँ हुई थी लेकिन आते टाइम ऐसा नहीं हुआ, बट मुझे नींद ही आ रही थी, नींद ही आ रही थी, पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही थी, क्योंकि हम ठंडे इलाके से सीधे गर्म इलाकों में जा रहे हैं तो इस वजह से भी हो रहा होगा, और पानी भी कम पी रहे थे। तो सक्षम देखो बिल्कुल मजे ले रहा है, गाड़ियां देख रहा है, ये पूरे शहर को निहारते हुए जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि गांव ही अच्छा था, शहर अच्छा नहीं है। देखो ये तो कोई परेशान नहीं करता है, गाड़ी में परेशानी मुझे ही होती है, और सक्षम के पापा भी बिल्कुल आराम से सोए हुए आगे की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं और काफ़ी अंधेरा भी यहाँ पे हो चुका है, और हम लोगों को देखो कब तक पहुँचते हैं, काफ़ी इधर उधर की सवारियाँ हैं, तो ड्राइवर को सवारियाँ भी छोड़ने जाना है, तो लास्ट में हमें ही छोड़ने आएंगे, तो देखो हम कितने बजे तक घर पहुँचते हैं। आज तो मुझे नींद ही आ रही है, घर जाके खाना भी बनाना होगा। और देखो ये है शहर का नज़ारा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े टावर आपको देखने को मिलेंगे, गाड़ी का शोर शराबा सुनने को मिलेगा यहाँ पे, बाकी तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाड़ी में, और ये देखो बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी।